पापा जी आपकी रिटायरमेंट हो गई है, अब आप एक काम कीजिए, आप ना हमारे साथ रहिए, मैं और मेरी वाइफ मिलकर ना आपके अच्छे से सेवा करेंगे अब। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया, आपकी तो शादी हो चुकी है, आप तो बीवी बच्चों के साथ अपना खुश हो और मैं तो अकेला रहता हूँ ना, तो पापा को मैं अपने साथ ही रखूंगा। देख ऋतिक, तू अभी अकेला रह रहा है, तेरी पढ़ाई भी तो है ना, अब तू कॉलेज जाएगा या इनका ध्यान रखेगा? मेरी मान, इनको ना हमारे घर पे रहने दे, इनके अच्छे से ध्यान भी रखेंगे और सेवा भी करेंगे। अरे भैया मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि पापा का ध्यान ना रख सकूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं पापा का ध्यान अच्छे से रख सकता हूँ और उनकी सेवा भी करूँगा। अरे देखना मास्टर जी कितने किस्मत वाले हैं, इनके दोनों बच्चे इतने अच्छे हैं कि सेवा करने के लिए लड़ रहे हैं कि मैं पापा की सेवा करूँगा और मैं पापा की सेवा करूँगा। रहने दे गुंजन, ये सब ना बेकार की बातें हैं। आपको ना सारी बेकार की बातें दिखाई देती हैं। अरे कुछ ना अच्छे बच्चे भी होते हैं जो इस युग में भी ना अपने मम्मी पापा की सेवा करते हैं। तुझे क्या लगता है ये सेवा करने के लिए लड़ रहे हैं? अरे ये जो मास्टर जी की रिटायरमेंट हुई है ना, उनके पेंशन के लिए लड़ रहे हैं ये, कि हाँ भाई मेरे पास पापा आ जाएंगे तो पेंशन मुझे मिलेगी। भाई समझ, पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, ये बात आपको कैसे पता? चल अभी दिखाता हूँ तेरे को। नहीं पापा मेरे साथ चलिए। अरे पापा मेरे साथ चलिए। मास्टर जी। नमस्ते पुनीत जी। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, रिटायरमेंट होगी आपकी? हाँ जी हो तो गई है रिटायरमेंट। चलो आपके लिए ना एक बैड न्यूज आई है। बैड न्यूज? बता दूं कि आपका थोड़ा सा ना मूड खराब हो जाएगा। बताइए। अभी ना न्यूज आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि जिसकी भी ना इस साल रिटायरमेंट हुई है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। है तो ये बैड न्यूज, मगर मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे दो दो जवान बेटे मेरी सेवा करने के लिए तैयार हैं। अरे इनके साथ रहूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है पेंशन वेंशन की। क्या बेटा? अरे पापा ऋतिक ना सही कह रहा था कि वो घर पर ना अकेला रहता है, अगर आप उसके साथ रहोगे तो उसका भी मन लगा रहेगा। ऋतिक तू एक काम कर, पापा को तो अपने घर ले जा। अरे नहीं भैया आप कैसी बात कर रहे हो, आप और आपकी वाइफ ना पापा का ध्यान अच्छे से रखेंगे, अब मैं अकेला होता हूँ, मैं तो पूरा दिन घर पे रहूंगा नहीं, तो पापा का ध्यान कौन रखेगा पीछे से? देखा, अरे गिरगिट को भी रंग बदलने में ना थोड़ी देर लग जाती है, इनको देख गिरगिट से भी तेज है, उससे भी पहले रंग बदल लिया, और इनको तो क्या कह रही थी सतयुग की औलाद है, देख तेरे आगे ही है सब कुछ। हाँ जी ठीक कह रहे हो आप, मुझे लगा कि मास्टर जी के बच्चे बहुत अच्छे हैं जो सेवा के लिए लड़ रहे हैं आपस में, पर वो तो पैसों के लिए लड़ रहे थे। चल एक मिनट रुक, मैं ना मास्टर जी से माफी मांग लेता हूँ, मैंने उनके साथ मजाक किया। ऋतिक तुझे पता है तेरी भाभी की तबीयत खराब रहती है, अब वो अपना ध्यान रखेगी या ऐसे में पापा का ध्यान रखेगी? मेरी मान तू पापा को ना अपने साथ लेके जा। अरे नहीं भैया मुझे नहीं पता, पापा को अपने साथ लेके जाओ। आई एम सॉरी मास्टर जी, मैंने ना आपसे झूठ बोला है। कैसा झूठ? ये जो मैंने आपको पेंशन वाली बात बोली है ना, आपकी कोई पेंशन वेंशन बंद नहीं होगी, आपकी पेंशन चालू ही रहेगी। ये छोटा सा झूठ ना मैंने सिर्फ इसलिए बोला है कि मेरी मिसिज ना आपके इन दोनों बच्चों को सतयुग के बच्चों जैसा समझती थी, सिर्फ उसकी आंखें खोलने के लिए मैंने आपसे ये झूठ बोला है और उसको सब दिख गया है। ओए कौन है तू और हमारे घर के मैटर में कैसे बात कर रहा है, तू ज्यादा समझदार है, चल यहाँ से निकल। चलो तुम्हारे घर का मैटर है, जैसे तुमको ठीक लगे वैसे करो, मैं चल रहा हूँ। और पापा ऋतिक सही कह रहा था, वो आपको संभाल नहीं पाएगा, मैं और मेरी वाइफ ही आपका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, तो आप एक काम करो आप ना मेरे साथ चलो। अरे नहीं नहीं भैया मैं ना पापा का ध्यान अच्छे से रख लूंगा, और वैसे भी मैं कॉलेज से फ्री होके जल्दी आ जाऊंगा तो पापा का ध्यान अच्छे से रख पाऊंगा। बस चुप करो तुम दोनों। उसने ये बात अपनी बीवी की आंख खोलने के लिए कही थी, लेकिन मेरी आंखें खुल गई। अरे मेरा जो कुछ है तुम दोनों का ही तो है, मैं क्या अपनी छाती पे ले जाऊंगा? तुम बाप से प्यार नहीं करते, बाप के पैसे से प्यार करते हो। कितना खुश था मैं कि मेरे दो दो जवान बच्चे मेरी सेवा करने के लिए तैयार हैं, और जरा सी देर में तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। घबराओ मत, पहली तारीख को आ जाना, अपना अपना हिस्सा लेके चले जाना, पेंशन ही तो चाहिए ना तुमने मेरी, है ना? पेंशन चाहिए ना? नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, किसी के साथ नहीं रहूंगा, मैं अकेला रह लूंगा।
अरे तुम्हारी माँ के जाने के बाद अकेला ही तो रहता चला आ रहा हूँ, अब नहीं रह सकता क्या? रह सकता हूँ? नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, नहीं रहना पापा।